हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक होंगे। यहाँ पे अपना अनसॉल्व क्वेश्चन चल रहा था फाइनल अकाउंट्स का, पार्टनरशिप फाइनेंस अकाउंट्स के। ऑलरेडी 5 अनसॉल्व क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा 6, जो पेज नंबर आपको दिया है, पेज नंबर आपके बुक्स के अंदर देखोगे 15-9 पे क्या दिया है, ये वाला क्वेश्चन दिया है। तो जब भी सम सॉल्व कर रहे हो बच्चे लोग, तभी बुक लेके बैठना है साथों साथ में। यस, चलो। जिन बच्चों ने अभी भी लेक्चर शुरू कर रहा हूँ, जिन बच्चों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर करना भूलना नहीं अपने फ्रेंड सर्कल में। प्लीज बच्चों लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट आपको इसलिए क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरे वीडियो चले जाएगा और आपको मालूम भी नहीं गिरेगा। बस में बहुत सारे बच्चे लोग मेरे को कमेंट्स में लिखते हैं कि सर ये वाला इंस्टाग्राम आईडी है, या तो फिर टेलीग्राम पे डायरेक्ट मुझे मैसेज करते कि सर आपने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा है नहीं, पर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया या तो उसने वीडियोस आ गए रहेगा देखा ही नहीं रहेगा, तो इट्स क्रिएट अ प्रॉब्लम। उससे अच्छा है आप क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्या कर दीजिए, टिक मार्क कर दीजिए। ठीक है, चलो आपका ये पेज नंबर 59 पे दिया है, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो अपन पढ़ रहे थे, वैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ ट्विस्ट नहीं है। विदाउट टाइम वेस्ट चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अर्चना एंड प्रेरणा आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ द 2:1। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2:1 के अंदर डिवाइड कर लेंगे। विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिव बिलो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रायल बैलेंस देखेंगे अपन और नीचे उसके क्या दिया है, एडजस्टमेंट देखेंगे, तो एडजस्टमेंट भी अपन देखेंगे कि क्या क्या एडजस्टमेंट दिया है। टोटल 5-6 एडजस्टमेंट दिया है और इसके अंदर ऑलरेडी 6-7 एडजस्टमेंट है और इसके अंदर और एक कोई ऐसा वाओ एडजस्टमेंट नहीं है, बाकी सब तो नॉर्मल जो एडजस्टमेंट है वैसे ही एडजस्टमेंट इसके अंदर भी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस के साथ। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर नहीं आ रहा सर क्वेश्चन, कोई एडजस्टमेंट समझ में नहीं आ रहा या तो कोई पोस्टिंग समझ में नहीं आया, तो बिंदास क्या कर देना, कमेंट सेक्शन में डाल देना कि सर मुझे ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो आपका जो भी डाउट डिफिकल्टी है नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यस, चलो स्टार्ट करते हैं। 1 April 2028 को इज नथिंग बट माई ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ पर जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट्स हो गया, गुडविल हो गया, दीज आर द माई असेट्स। बट वो कौन सी असेट कहलाती है, इनटेंजिबल असेट कहलाती है, बट वो एक्चुअल में कौन सा है, क्या है, असेट्स ही है। तो इसको किधर लिखेंगे, असेट साइड लिखेंगे। सन्ड्री डेटास आपको खुद को मालूम है ये क्या है, अपनी असेट्स है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, देखो ये नया वर्ड है यहाँ पे आया है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी है उसका स्टॉक है। स्टॉक अपने लिए क्या होता है, हमेशा असेट्स होता है, तो ये भी आ जाएगा असेट साइड आ जाएगा। ट्रेडमार्क इज नथिंग बट इंटेंजिबल असेट, जस्ट तुम लोग को एग्जाम्पल लिया, तो ये भी किधर जाएगा, असेट साइड जाएगा। बिल रिसीवेबल यू नो वेरी वेल ये क्या है, आपके असेट्स है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है मेरा इनडायरेक्ट खर्चा है, वो किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएगा। वेजेस इज माई डायरेक्ट खर्चा, तो ये किधर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। हीटिंग एंड लाइटिंग दिज आर ऑल्सो माई डायरेक्ट खर्चा, तो किधर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। ट्रेड एक्सपेंस, यहाँ पे बच्चे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, ट्रेड एक्सपेंस बच्चे लोग लिख के आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। ट्रेड एक्सपेंस मतलब बाइंग सेलिंग का खर्चा जो लग रहा है, इस कॉल्ड ट्रेड एक्सपेंस, तो वो मेरा इनडायरेक्ट खर्चा है। देखो डायरेक्ट खर्चा वो है जो मेरे प्रोडक्शन से डायरेक्ट रिलेटेड करता है, जैसे कि रॉ मटेरियल टू कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं फिनिश गुड्स के अंदर, फैक्ट्री को लेके जो भी खर्चा हो रहा है वो मेरा कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, मतलब डायरेक्ट खर्चा। दीज आर द नथिंग बट इनडायरेक्ट खर्चा। ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग में मत डालना, वो आपके क्या है, इनडायरेक्ट खर्चा है। यस, तो ये किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएगा। सेल्स रिटर्न लेस करेंगे सेल्स के अंदर से, तो सेल्स को क्या कर दो आप, टिक मार्क कर दो, कहाँ गए सेल्स, सेल्स सेल्स, यस, तो एक स्टार मार्क कर देता हूँ बिकॉज एक लाइन छोड़ना है, आप लोगों को मालूम गिरेगा। लैंड एंड बिल्डिंग आपके लिए क्या है, असेट्स है। फर्नीचर आपके लिए क्या है, असेट्स है। ऊपर ले लेता हूं थोड़ा स्क्रीन दिखेगा। नेक्स्ट आ जाएगा कैश एट बैंक, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, असेट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट आपका असेट्स है। और ड्रॉइंग जो भी है अर्चना का और प्रेरणा का, वो आपका रिस्पेक्टिव पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओगे, उसके साइड डेबिट साइड लिख देंगे अपन। नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर फॉर्मूला में अपन क्या करेंगे, सेट कर देंगे डेबिट साइड। और परचेज आपका आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। तो डेबिट साइड वाला आई होप तुम लोग को क्लियर है सब कंसेप्ट।
इधर आ जाता है क्रेडिट साइड पे। अभी जो लिखा है आपका कैपिटल, कैपिटल पार्टनर्स के अकाउंट के क्रेडिट साइड, हमेशा याद रखना है ड्रॉइंग हमेशा डेबिट होता है, वो डीडी पकड़ लेने का, ड्रॉइंग डेबिट कैपिटल क्रेडिट, यस। तो ये कहां पे जाएगा, ये पार्टनर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। अदर लोन नथिंग बट लायबिलिटीज है। रिजर्व फंड, देखो ये रिजर्व फंड क्या होता है, रिजर्व फंड इज नथिंग बट एक टाइप का फंड क्रिएट किया है, या तो फिर नॉट क्रिएट किया है, दिस आर नथिंग बट कंपनी ने जो प्रॉफिट होता है वो सर्टन फंड क्या करते हैं, रिजर्व करके रखते हो, वो टाइप को क्या बोलते हैं आप, रिजर्व फंड बोलते हो। अभी इसमें बहुत सारे टाइप के रिजर्व फंड होते हैं, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, इतना कुछ आपको ट्वेल्थ में पूछे गए नहीं। तो रिजर्व फंड आप मान के चलो कि इट्स लाइक अ कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया, रिजर्व एंड सरप्लस वर्ड सुना रहेगा, इट्स काइंड ऑफ रिजर्व फंड इज अ पार्ट ऑफ द रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये कहां पे जाएगा, आप लायबिलिटी साइड लिखो इसको भी, सन्ड्री क्रेडिटर्स इज योर लायबिलिटी, बिल्स पेएबल इज योर लायबिलिटी, परचेज रिटर्न आपको परचेज में से क्या करना है, माइनस करना है, तो परचेज में से क्या करेगा अपन, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे स्टार मार्क कर दो परचेज को, एक लाइन छोड़ने की समझ में आए, क्या करेंगे परचेज रिटर्न माइनस करेंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे लेस फ्रॉम परचेज आरडीडी, आपको मालूम है खुद को ओल्ड आरडीडी है, तो नो फॉर्मूला जो लिखोगे उसके अंदर से क्या करेंगे अपन, माइनस करेंगे। तो ये बैड डेब्ट से क्या करेगा अपन, माइनस करेंगे। नेक्स्ट है सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, और इंटरेस्ट वो मेरे को प्रॉफिट हुआ है किधर को, इधर मैंने इन्वेस्टमेंट किया रहेगा तो उधर से मुझे कुछ प्रॉफिट मिला रहेगा, तो किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड, ठीक है। तो आई थिंक सो पोस्टिंग इज क्लियर है सबको, कोई बच्चे को समझ में नहीं आया तो बिंदास कमेंट सेक्शन में कमेंट क्या कर दो, फेंक दो यस। चलो आगे बढ़ेंगे, एडजस्टमेंट की तरफ जाएंगे वन बाय वन, आराम से समझेंगे कि एडजस्टमेंट बोला क्या गया। यस पहला ही एडजस्टमेंट बोलता है, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 इज वैल्यू एट अ कॉस्ट प्राइस, क्या है आपका 12,000 है और मार्केट प्राइस क्या है 17,000 है। अपना क्लियर ये फंडा कि मार्केट प्राइस होगी कॉस्ट प्राइस हो, अपने को विच एवर इज लेस लेना है, या तो कॉस्ट प्राइस होगी या तो मार्केट प्राइस होगी, तो विच एवर इज लेस कौन सा दिख रहा है यहाँ पे 12,000, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसको क्या करते क्रॉस कर दो। 12,000 का दो इफेक्ट आएगा, पहला तो आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड, यस। चलो तो ये वाला क्लियर है। सेकंड बोलते हैं आर कस्टमर, एक अपना कस्टमर है, ओके कौन है, मिस्टर शेखर फेस टू पे हिज ड्यू ऑफ 800, मतलब वो शेखर अपना डेटर से, मतलब अपने गुड्स बेचा रहेगा उसको पे करना था, पर वो भाई ने पे नहीं किया 800 रुपया नहीं पे किया, तो भाई ये डिफॉल्ट किया है बंदे ने, डिफॉल्ट किया है, तो नथिंग बट ये आप बोल सकते हो इट्स अ न्यू बैड डेब्ट, क्योंकि आपको एडजस्टमेंट में जो भी बैड डेब्ट दिखता है इट्स अ न्यू बैड डेब्ट, तो इसको आप कंसिडर करो एज अ न्यू बैड डेब्ट, और इसको फॉर्मूला में क्या करेंगे अपन ऐड कर देंगे। तो पहला इफेक्ट क्या करो, सन्ड्री डेटर्स में से इसको क्या करेंगे, पहले तो माइनस करेंगे लेस फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, सेकेंड इफेक्ट क्या करेंगे, जो बैड डेब्ट का फॉर्मूला है उधर क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो भाई ने डिफॉल्ट किया है, मिस्टर शेखर को अपने को पैसा देना था तो अपने डेटर्स में था वो, पर वो भाई ने पे नहीं किया, तो अपने डेटर्स से पहले निकालो, और सेकंड इफेक्ट कहां पे देखे अपन, बैलेंस शीट के सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड ऑफ फॉर्मूला में सेट करेंगे। नेक्स्ट है 1/8 ऑफ पेटेंट आर टू बी रिटर्न ऑफ, मतलब आपको रिटर्न ऑफ का मतलब इनडायरेक्टली बोलने जाओ ना, इट्स नथिंग बट डेप्रिशिएट करना है आपको। अभी सर तुम लोग ध्यान से समझना, जो आपकी टेंजिबल असेट्स होती है ना, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी, उनको डेप्रिशिएशन वर्ड यूज करते हैं, माइनस करने के लिए डेप्रिशिएशन वर्ड यूज करते हैं, बट इनटेंजिबल होती है जैसे कि असेट लाइक कॉपीराइट्स हो गए, ट्रेडमार्क हो गए, लाइक पैटर्न हो गए, उसको अगर माइनस करना है ना, तो उन लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं करते, उन लोग क्या करते हैं रिटर्न ऑफ वर्ड यूज करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, जस्ट एडिशनल नॉलेज है, प्रोफेशनल लेवल का नॉलेज है, तुम लोग ज्ञान बांट रहा हूं यार। तो रिटर्न ऑफ यहाँ पे ए वर्ड यूज नहीं कर सकते, पैटर्न इज डेप्रिशिएटेड बाय दिस, नहीं लोग रिटर्न ऑफ ही वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो रिटर्न ऑफ कितना करना है, तो मैंने तुम लोगों को बोला रिटर्न ऑफ का मतलब ही क्या होता है, डेप्रिशिएशन, तो 1/8% का पैटर्न आपका क्या हो जाएगा, डेप्रिशिएट हो जाएगा। उससे पहले आप डेटर्स के अंदर अपना जो ऊपर वाला एडजस्टमेंट था, डेटर्स के अंदर स्टार मार्क कर देंगे, ताकि अपने को मालूम गिरे कि भाई वहां पे अपन को क्या करना है, स्पेस छोड़ना है,
यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर्स पे एक फॉर्मूला था और बेड डेप्थ के अंदर था। नेक्स्ट आप पैटर्न पे जो आपको वन एथ नथिंग बट डेप्रिशिएट इन काइंड ऑफ जो अपनी लैंग्वेज में बोले डेप्रिशिएट करना है तो उसके दो इफेक्ट आपको मालूम है क्या करनी है। दो इफेक्ट आपको पहले ही तो पैटर्न में से क्या करेंगे अपन माइनस करेंगे इसको लेस फर्स्ट माइनस फ्रॉम पैटर्न और सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आएगा। एडजस्टमेंट भी क्लियर है। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ फर्नीचर 5000 इज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2018। मतलब जो परचेज ऊपर लिखा है फर्नीचर का उसमें से जो पार्ट ऑफ द फर्नीचर कभी बाय किया है 1 अक्टूबर 2018 मतलब मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अक्टूबर 18 है ध्यान से देखना है अक्टूबर 18 है ध्यान से देखना तो अक्टूबर 18 को बाय किया है तो मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तो जो 6 महीने का आपको डेप्रिसिएशन 5000 के हिसाब से निकालना है और बाकी का जो फर्नीचर का जो भी बैलेंस पोर्शन रहेगा वो पूरे साल के लिए निकालना है। तो यहाँ पे मीनवाइल खाली क्या कर दो टिक मार्क कर दो फर्नीचर पे मीनवाइल क्या कर दो फर्नीचर पे टिक मार्क कर दो। यहाँ पे क्या आ गया फर्नीचर आ गया मीनवाइल क्या कर दो स्टार मार्क कर दो डेप्रिसिएशन है यहाँ पे तो एक स्टार मार्क इसको बनता है 13000 का फर्नीचर है उसमें से 5000 की वैल्यू पे आधा साल के लिए डेप्रिसिएशन करना है और बाकी जो 8000 बचता है 13 में से 5 निकालोगे कितना बचेगा 8000 पे आपको क्या करना है पूरा निकालना होगा। ठीक है तो मीन वैल्यू स्टार मार्क कर दो जब भी एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तभी अपन क्या करेंगे उसको माइनस करेंगे। तो पहले क्या करेंगे अपन यहाँ पे पार्ट ऑफ द फर्नीचर ऑफकोर्स पहले लेस फ्रॉम फर्नीचर यहाँ पे जस्ट पहले इंफॉर्मेशन लिखो ये क्या होगी आपके लिए इंफॉर्मेशन होगी ये इंफॉर्मेशन है ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। उसका जो डेप्रिसिएशन का वाला एडजस्टमेंट उसके नीचे दिया है ये रहा डेप्रिसिएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 10% और फर्नीचर पे 5%। तो इसका पहला एडजस्टमेंट क्या आता है पहला इफेक्ट क्या आता है लेस फ्रॉम असेट्स और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। तो बिल्डिंग को और फर्नीचर को तो ऑलरेडी अपन ने क्या कर दिया स्टार मार्क कर दिया यस चलो तो यहाँ पे बिल्डिंग को भी क्या कर देते स्टार मार्क कर देते बिल्डिंग को भी क्या करेंगे स्टार मार्क कर देंगे लैंड एंड बिल्डिंग स्टार मार्क फर्नीचर को ऑलरेडी करके दिया है अपन ने यस चलो आगे बढ़े सर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोलता है ये वाला क्लियर है डेप्रिसिएशन वाला भी क्लियर है। आउटस्टैंडिंग वेजेस 300 रुपया और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 200 रुपया तो आउटस्टैंडिंग का हमेशा क्या होता है ऐड होता है एक्सपेंस आपको पे करना है तो आपको आउटस्टैंडिंग ऐड करना है आउटस्टैंडिंग ऐड करना है ओ पकड़ के चलना यस आउटस्टैंडिंग ऐड करना तो पहले यहाँ पे इफेक्ट आएगी ऐड इन एक्सपेंस और वो एक्सपेंस आपको पे करना है मतलब फ्यूचर में तो भी पे करना है तो आज की डेट में वो आपके लिए क्या है माथे पे लायबिलिटीज है तो दो इफेक्ट यहाँ पे हो जाएगी। तो आप वेजेस को और इलेक्ट्रिसिटी को दोनों को क्या कर दो स्टार मार्क कर दो वेजेस और इलेक्ट्रिसिटी यस ये रही वेजेस एंड इलेक्ट्रिसिटी स्टार मार्क कर दो और इलेक्ट्रिसिटी ये रही। ठीक है सर यस सर समझ में आ रहा है यस सर ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे और लास्ट एडजस्टमेंट क्या बोलता है अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3% एक इन्फॉर्मेशन दिया है कि आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जो देना है कैपिटल को जो पार्टनर से कंट्रीब्यूट किया है उस पर 3% इंटरेस्ट देना है पार्टनरशिप फर्म को कोई प्रॉब्लम नहीं दे देंगे। तो यहाँ पे पहला इफेक्ट क्या आएगा आपको कैपिटल अकाउंट में डालना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड क्योंकि उसके लिए वो क्या है इनकम है और सेकेंड इफेक्ट किधर आएगी पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है वो लॉस है अपन क्या बना रहे पार्टनरशिप अकाउंट का फाइनेंशियल बना रहे तो उसके अकाउंट में तो लॉस ही दिखेगा तो पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर क्या आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट से। ठीक है तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चंस और उसके एडजस्टमेंट मतलब जो उसका ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट की इफेक्ट। चलो लेट्स स्टार्ट फॉर द पोस्टिंग चलो यहां पे स्टार्ट कर देते ऑलरेडी मैंने ट्रेडिंग अकाउंट का मेरा फॉर्मेट रेडी होता है यहां पे लिखना है अर्चना एंड प्रेरणा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड क्रेडिट साइड रेडी है
यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। नेक्स्ट हो जाएगा पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट 31 मार्च 2019। और लास्ट हो जाएगा बैलेंस शीट आपका आ जाएगा एज ऑन 31 मार्च 2019। और लास्ट में आप अपना और ऐड कर सकते हो अपनी मर्जी से वर्किंग नोट। ज़्यादा टाइम पास वर्किंग नोट में नहीं करना है बिकॉज वर्किंग नोट के कोई एडिशनल मार्क्स नहीं मिलता। अभी भी बता देता हूँ तुम लोग को, वर्किंग नोट के कोई एडिशनल मार्क्स नहीं मिलता क्योंकि उन्होंने आपको खाली ट्रेडिंग अकाउंट बनाने बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने बोला है और बैलेंस शीट बोला है। तो उन लोगों ने वर्किंग कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है नहीं, वर्किंग नोट्स बनाने बोला है नहीं, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट बोला है नहीं, तो उसका कोई एडिशनल मार्क नहीं मिलता। ठीक है, ओके। चलो ओपनिंग स्टॉक पहला आ जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख लो 8560 ओपनिंग स्टॉक 8560 डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट। ये हो गया पेटेंट असेट से आपको इनर कॉलम में लिखना है एडजस्टमेंट है स्टार मार्क है तो पेटेंट 2000 का क्या है आपका पेटेंट है। ठीक है असेट साइड पेटेंट पेटेंट कितने का है 2000 का है 2000 रुपए का। इनर कॉलम में इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज एडजस्टमेंट है। ठीक है चलो एक लाइन छोड़ दो। नेक्स्ट आ जाते हैं सन्ड्री डेटर्स आपके लिए भी वो क्या है असेट से स्टार मार्क किया है तो छोड़ना है वहां पे भी जगह छोड़ना है 18500 सन्ड्री डेटर्स 18500 सन्ड्री डेटर्स इनर कॉलम में लिखना है 18500 बिकॉज वहां पे एडजस्टमेंट है अपना वो ड्रॉइंग वाला क्या बोल रहा हूं वो डिफॉल्ट किया है उन्होंने अपने डेटर्स ने। ठीक है नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 3000 की आपके पास असेट्स है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 3000 का डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट। ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे। ट्रेडमार्क आपके लिए असेट से 2000 के इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है ट्रेडमार्क में तो इसको भी क्या कर सकते हो आप आउटर कॉलम में लिख सकते हो। थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ स्क्रीन ट्रेडमार्क 2000 रुपया इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है यू कैन मेंशन डायरेक्ट आउटर कॉलम में ट्रेडमार्क 2000 रुपया। बिल्स रिसीवेबल आपके लिए असेट से 6300 का इसके अंदर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो वो आप भी क्या कर सकते हो आउटर कॉलम में लिख सकते हो क्या बिल्स रिसीवेबल कितना था मैं तो अमाउंट भूल गया हूँ 6300। नेक्स्ट एडजस्टमेंट सॉरी नेक्स्ट एंट्रीज क्या लिखा है ऊपर लेता हूँ इसको भी। नेक्स्ट है क्या लिखा है बिल्स रिसीवेबल ऑल्सो डन। इलेक्ट्रिसिटी इनर कॉलम में लिखना है स्टार मार्क है बिकॉज देर इज वन एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग का तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1450 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस यहाँ पे एक एक लाइन छोड़ना है बिकॉज वी डोंट नो कि प्रॉफिट आएगा कि लॉस आएगा। ठीक है तो यहाँ पे आ जाता है टू इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट में लिख रहा थोड़ा चार्जेस जो आपका कितना है इनर कॉलम में लिखना है 1450 इनर कॉलम में इसलिए लिखना है बिकॉज एडजस्टमेंट है वहां पे एक लाइन छोड़ देना है आउटस्टैंडिंग वाला। नेक्स्ट
वेजेस इसके अंदर भी एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग का इनर कॉलम में लिखना है 950 वेजेस, यहाँ पे परचेज के लिए जगह रख रहा हूँ ऊपर, टू वेजेस इनर कॉलम में लिखना है 950। नेक्स्ट हीटिंग एंड लाइटिंग, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है, ट्रेडिंग अकाउंट के साइड जाएगा डेबिट साइड, हीटिंग एंड लाइटिंग 1000 का, नो एडजस्टमेंट, आउट ऑफ कॉलम में आप बिंदास लिख सकते हो हीटिंग एंड लाइटिंग, टू हीटिंग एंड लाइटिंग 1000 का डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट। यस चलो आगे बढ़ेंगे सर, ट्रेड एक्सपेंस समझ के ट्रेडिंग अकाउंट में मत डालना। ट्रेड एक्सपेंस इज काइंड ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो मैं ट्रेड कर रहा हूं उससे रिलेटेड जो खर्चा हो रहा है, नथिंग बट ट्रेड एक्सपेंस है, वो इनडायरेक्ट खर्चा है। 850 रुपए का आउटर कॉलम में बिंदास लिख सकते हो बिकॉज नो एडजस्टमेंट, टू ट्रेड एक्सपेंस 850। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस करेंगे तब भी अपन देखते हैं, अभी मीनवाइल छोड़ दो उसको। लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स साइड लिखना है, स्टार मार्क है तो अपने को क्या करना है, इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज डेप्रिसिएशन इज देयर। 22000 का लैंड एंड बिल्डिंग है अपने पास, लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है, 22000 का है, एंड बिल्डिंग 22000 इनर कॉलम में इसलिए लिखा है बिकॉज डेप्रिसिएशन है सर उसमें, ठीक है। आगे वो क्या बोलता है, फर्नीचर उसको भी इनर कॉलम में लिखना है, 13000 का फर्नीचर है इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज एडजस्टमेंट इज देयर। या फर्नीचर तेरह हजार एडजस्टमेंट है इसके अंदर, इसलिए इनर कॉलम में लिख रहा है बिकॉज डेप्रिसिएशन का वन एडजस्टमेंट है। पर ध्यान में रखना है, इस बार एडजस्टमेंट के अंदर एक इन्फॉर्मेशन भी दी थी फर्नीचर के बारे में, मतलब 5000 का कुछ दिया था, वो जब भी अपन करेंगे तब भी देखेंगे उसको। कैश एट बैंक 5000 आपके अकाउंट में है भाई, कैश एट बैंक 5000 आपके बैंक अकाउंट में असेट्स है वो आपके लिए। ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे सर, इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो योर असेट्स, कितने का है इन्वेस्टमेंट, 7500 डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट भी आप क्या कर सकते हो 7500 का आउटर कॉलम में लिख सकते हो, इन्वेस्टमेंट 7500। चलो 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 ड्राइंग्स ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, अरे सॉरी ड्राइंग पार्टनरशिप अकाउंट्स के डेबिट साइड 1200, अर्चना के लिए और प्रेरणा के लिए 900। पार्टनरशिप अकाउंट अपन ने बनाया है यहाँ पे, यस यहाँ पे एक एक लाइन छोड़ दो बिकॉज वी डोंट नो कि प्रॉफिट आएगा कि लॉस आएगा, तो बेटर है कि एक एक लाइन ऊपर की छोड़ देनी है। यहाँ पे आ जाता है अपन टू ड्राइंग्स अर्चना एंड प्रेरणा, अर्चना प्रेरणा, ठीक है। ड्रॉइंग कितना है यहाँ पे, 1200 अर्चना के लिए दिया था और 900 प्रेरणा के लिए दिया था। वन सेकेंड मेक श्योर हो जाना है अपने को, कंफर्म कर लेना है तो भी ठीक है, चलो बराबर है। नेक्स्ट आ जाता है बैड डेप्स, बैड डेप्स का फॉर्मूला ही लगा देने का, कोई झंझट मारी चाहिए ही नहीं अपने को। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड बैड डेप्स का फॉर्मूला लगाना है 200 रुपये डाल के, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं सर। यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं अपन बैड डेप्स का, टू बैड डेप्स एड न्यू बैड डेप्स एड न्यू
आर डी डी और लेस ओल्ड आर डी डी 200 रुपये यहाँ पे दिया है, मीन वैल्यू इतना लिख दो। और लास्ट आई थिंक जो परचेज दिया है देख लेते हैं। यस परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड इनर कॉलम में लिखना है आई थिंक सो परचेज रिटर्न इज देयर 23,700 परचेज टू उसमें से क्या करेगा अपन माइनस करेंगे परचेज रिटर्न। ठीक है सर, ओके सर 23,700 ही है। ठीक है 23,700 तो डेबिट वाला पोस्टिंग क्लियर है बच्चे लोग। इफ यू आर स्टिल डाउट बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देना। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चे लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। दिख नहीं रहा है कोई लाइक कर रहा है वीडियो को, प्लीज लाइक कर दीजिए। यस चलो स्टार्ट करते। क्रेडिट बैलेंस कैपिटल अर्चना का 40,000 और प्रेरणा का 20,000। ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां पे आ जाते हैं। बाय कैपिटल अर्चना का 40,000 प्रेरणा का 20,000 चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये हो गया 40,000 20,000। अदर लोन्स 3,000 रिजर्व फंड 1,000 दोनों फटाफट ले लेते हैं। अदर लोन 3,000 और रिजर्व फंड 1,000। लायबिलिटी साइड है दोनों आइटम, दोनों को इन आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट। ऊपर का सर्टन लाइन छोड़ दो। ठीक है चलो यहां पे अदर लोन 3,000 रिजर्व फंड 1,000। ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे सर। ये हो गया सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑल्सो इज योर लाइबिलिटीज एंड बिल्स पेबल इज ऑल्सो योर लाइबिलिटीज। दोनों को आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिकॉज नो एडजस्टमेंट, डायरेक्ट आउटर कॉलम में फेंक सकते हो। सन्ड्री क्रेडिटर्स 17,500 और बिल्स पेबल 5,000 सन्ड्री 17,500 बिल्स पेएबल 5,000। ठीक है सर चलो आगे बढ़ेंगे सर। ये हो गया परचेज रिटर्न ऑफकोर्स अपन ने लाइन छोड़ के रखा है 1,000 परचेज रिटर्न है, चलेगा सर 1,000 परचेज रिटर्न में से माइनस करेंगे। डायरेक्ट आउटर कॉलम में अभी बैलेंस डाल दो 23,700 में से 1,000 जाएगा तो 22,700। चलो आगे बढ़ेंगे सर। आरडीडी 500 रुपया माइनस करेंगे ओल्ड आरडीडी बैड डेट्स में से 500 रुपया क्या करेंगे माइनस करेंगे। ये रहा अपना 500 रुपया, इसको माइनस करेंगे। अभी आउटर कॉलम में नहीं डालेंगे अपन, अभी भी न्यू बैड डेट्स कुछ आएगा एडजस्टमेंट में तो अपन क्या करेंगे तभी माइनस करेंगे। नेक्स्ट क्या है सेल्स 30,200 का क्या है सेल्स है 30,200 का क्या है सेल्स है उसके अंदर से सेल्स रिटर्न भी माइनस करना है ध्यान में रखना। बाय सेल्स 30,200 लेस सेल्स रिटर्न। चलो सेल्स रिटर्न कितना था अपना यहाँ पे आइटम था एक आइटम क्या पे छोड़ा था यस 400 रुपया 400 रुपया माइनस करना है इसमें से। तो अगर 30,200 में से 400 रुपया माइनस करूँ तो आएगा मेरा 29,800। यस सर यस समझ में आ रहा है ना बच्चे लोग। चलो और लास्ट क्या लिखा है इंटरेस्ट 310 रुपये का मुझे इंटरेस्ट मिला है दिस इज नथिंग बट इज माई इनडायरेक्ट इनकम 30,000 का तो लिखेंगे यहाँ पे
प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड, यहां पे आ जाएगा बाय इंटरेस्ट, कितना 310 रुपया। आउटर कॉलम में बिंदास लिख सकते हो बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट। यस, चलो आगे बढ़ेंगे सर। अभी आगे बढ़ेंगे कहां बढ़ेंगे, अभी आगे बढ़ेंगे एडजस्टमेंट की तरफ। एडजस्टमेंट की तरफ अपनी गाड़ी लेके जाएंगे और वन बाय वन एडजस्टमेंट क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यस, चलो पहला ये है क्लोजिंग स्टॉक, जो स्टैंडर्ड एडजस्टमेंट होता है क्लोजिंग स्टॉक का। पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, और सेकंड इफेक्ट आपको खुद को मालूम है बैलेंस शीट के असेट साइड। यस, वो भी 12,000 से अपने को क्या करना है एंट्री पास करनी है, फर्स्ट बाय क्लोजिंग स्टॉक 12,000, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 12,000, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला एडजस्टमेंट इज डन। सेकेंड बोलता है आर कस्टमर, ओके अपना कस्टमर था शेखर, ओ भाई ने डिफॉल्ट कर दिया, मतलब अपने को पैसा नहीं मिलेगा। अपने क्या किया था, अपने डेटर्स के अंदर उसको रखा था, पर उसने पे नहीं किया, मतलब आपको डेटर्स में से पहले नहीं आना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और मैंने तुम लोगों को बोला था इट्स काइंड ऑफ न्यू बैड डेट, तो आप इसको चाहो तो न्यू बैड डेट भी मान सकते हो। तो पहले सन्डे डेटर्स में से 800 रुपया माइनस करेंगे, और जो फॉर्मूला है अपना उसके अंदर बैड डेट्स वाला, उसके अंदर क्या करेंगे अपन ऐड कर देंगे। तो पहला एंट्री अपन लेस फ्रॉम सन्डे डेटर्स 800 रुपया, यस सन्डे डेटर्स 800 रुपया क्या करेगा अपन माइनस करेंगे, न्यू बैड डेट्स के फॉर्म में। ₹800 माइनस करूं तो कितना आएगा, 700 एंड 17700, ठीक है 17700 आएगा। पर 800 की सेकंड एंट्री देना भूलना नहीं है। कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के इट्स काइंड ऑफ न्यू बैड डेट्स, कितना आएगा 800 रुपया। अभी इसको चाहो तो तुम लोग क्या कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। आई डोंट थिंक सो कोई अपना नया RDD भी दिया है इसके अंदर, तो नया RDD पे अपन क्या करेंगे यहाँ से ही माइनस कर देंगे, अरे सॉरी है ही नहीं, तो यहाँ पे डैश करके पूरा टैली करके 800 और 1000, 1000 में से 500 जाएगा तो 500 बचेगा रिमेनिंग, आउटर कॉलम में फेंक देंगे इसको। ठीक है सर, समझ में आ रहा है ना सर क्या कर रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है। चलो आगे बढ़ेंगे। पैटर्न वो रिटर्न ऑफ करना है 1/8 टाइम्स, मतलब आपको आठवां हिस्सा माइनस करना है उसका। इनडायरेक्टली तो यही हुआ ना, अभी ये पिज्जा होता है सर, ऐसा मत बोलो खाने का मन कर रहा है, इसका ऐसा आठवां हिस्सा, ये 4 हिस्सा हो गए, और दो लाइन में खींचू ये 6 हो गया, और दो खींचू तो 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, वाह सर पिज्जा ड्रॉ कर दिया आपने तो। यस, तो ये इसमें क्या बोला है, पैटर्न के अंदर आठवां हिस्सा आपने को क्या करना है, माइनस करना है। तो अभी पैटर्न क्या बोलता है, पैटर्न का अमाउंट 2000 है, तो ये 2000 का आठवां हिस्सा कितना होगा, 1/8% तो नहीं बोल सकते, 1/8 हिस्सा। अभी ये सपोज कि फॉर एग्जांपल बहुत इजी है, अगर मैं 1000 का 4 हिस्सा करूं तो कितना होता है सर, 1000 का 4 हिस्सा करूं मैं तो कितना होगा बोलो, 1000 का 4 हिस्सा करूंगा तो 250 करेक्ट है, तो और एक 1000 का मैं 250 करूं तो, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्या बोल रहा हूँ कि 1000 का मैं अगर आपका माइनस करूँ 1/4 तो हो जाएगा 250, ये 2000 का 1/4 करना है, 250 करके 800 करना है, तो अगर मैं कैलसी से भी करूँगा तो भी उतना ही आएगा, 2000 का मैं 1/8 करूँ तो 250 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा
क्योंकि आपको तो वन ही हिस्सा लेना है ना, आपको दो हिस्से नहीं लेने। पागल मत हो जाना सर, यहाँ पे 250, यहाँ पे 250। सर ये पागल मत हो जाना, इसका 250, इसका 250 प्लस नहीं करना है अपने को, समझ में आया? देखो पिज्जा का ये 250 रुपये का पिज्जा है, 250 रुपये का एक पीस 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 है और 250 रुपये का लास्ट पीस है। इसको प्लस करोगे ना तो आपका आ जाएगा 2000। और उसका एक ही पीस अपने को क्या करना है, माइनस करना है, 1/8 बोला है, मतलब एक ही पीस लेना है आपको, नथिंग बट 250 रुपये अपने को क्या करना है, माइनस करना है, इट्स काइंड ऑफ रिटर्न ऑफ करना है। यस, कितना 250। अगर मैं 250 माइनस करूं तो 50 300 और 300 1700 1750। और सेकंड इफेक्ट देना भूलना नहीं है, पैटर्न रिटर्न ऑफ का प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड इस काइंड ऑफ डेप्रिसिएशन, तो यहां पे आ जाएगा रिटर्न ऑफ पैटर्न कितना 250 रुपया। ठीक है, चलो उम्मीद कर रहा हूँ तुम लोग को ये एडजस्टमेंट समझ में आया होगा। अब फर्नीचर 5000 इज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018। ठीक है, उन लोग ने डेप्रिसिएशन से पहले फर्नीचर का एडजस्ट वो दे दिया, इन्फॉर्मेशन दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में आ जाता है, ये वाला जस्ट इन्फॉर्मेशन है। फोर्थ पॉइंट, ठीक है, फिफ्थ पॉइंट पर आ जाता है, फिफ्थ एडजस्टमेंट पे जो बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 10%। पहले लैंड एंड बिल्डिंग को क्लियर करते हैं 10% से, लैंड एंड बिल्डिंग को क्या करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कहाँ गया बिल्डिंग मेरा, यस ये रहा, लेस 10% डेप्रिसिएशन। अगर 22000 का 10% निकाल दूं, मतलब 10 निकाल लेना है अपने को, तो 2200 रुपया मिल रहा है डेप्रिसिएशन है। फुल ईयर का लेना है बिकॉज यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं 2200 माइनस करूँ तो यहाँ 800 आ जाएगा, 800 मतलब 3000 पूरा, 3000 पूरू थी गयू है, 19000 आ गयू है यहाँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, तो ये 2200 का सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में भी डालना है मुझे, प्रॉफिट एंड लॉस में भी डालना है। यहाँ पे 2 तो क्या है डेप्रिसिएशन, ऑन लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 2200। ठीक है, चलो और सेकेंड अभी क्या बोलता है, यहाँ पे आपने को ध्यान से संभालना है। अभी बात आता है फर्नीचर की, फर्नीचर की एक इन्फॉर्मेशन ऊपर दिया था फोर्थ वाले एडजस्टमेंट में कि 5000 की फर्नीचर आपको क्या दिया है, लोग ने बाय जो किया है वो पूरे साल के लिए बाय नहीं किया है, वो मिड ऑफ द ईयर में बाय किया है, वो मिड ऑफ द ईयर में बाय किया, मतलब 1 अक्टूबर 2018 में क्या किया है, बाय किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे अपन वर्किंग नोट में आ जाते हैं, टोटल पहला फर्नीचर कितना है वो देख लेते हैं, टोटल फर्नीचर अपने पास कितने का है, 13000 का है। ठीक है, ये थोड़ा रफ कर देता हूँ, होपफुली ये पिज्ज़ा समझ में आया रहेगा आपको। ठीक है, चलो सर पिज्ज़ा समझ में नहीं आता है, वो दिल में आता है। यस, चलो स्टार्ट करते हैं सेकेंड एडजस्टमेंट, क्या बोलता है, बोलता है कि आपका जो फर्नीचर दिया है ना बॉस, वो टोटल 13000 का है, उसमें से वो बोलता है कि 5000 और 8000 को पहले डिवाइड करो आप, 8000 और 5000, क्योंकि अपने को डेप्रिसिएशन इस पे पूरे साल का नहीं लेना है, इस पे 6 महीने का लिया है लेना, क्योंकि ये विथ इफेक्ट फ्रॉम कभी से आया है फॉर्म के अंदर, पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर कभी से आया, 1 अक्टूबर 2018, मतलब 6 महीने का ही लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका फुल ईयर लेना है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको पर एनम ही लेना है, फुल ईयर लेना है डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन था वो तो परसेंटेज तो देखा ही नहीं अपन ने, 5% था, कितना था 5% था, 5% था, ठीक है 5%। अभी इसका पहले 5% निकाल देते हैं, अगर 8000 का मैं 10% निकाले तो कितना आता था, 10 निकाल दो तो 800 रुपया, पर मुझे 10% नहीं लेना है, उसका भी आधा लेना है, मतलब 800 का भी आधा कितना होता है सर, 400। ठीक है, ये अमाउंट मिल गया यहाँ पे, क्योंकि इधर फुल ईयर लेना था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। अभी यहाँ की बात करता हूँ, 5000 का अगर मैं 10% ले तो कितना होता है, 500 रुपया होता है, पर अपने को पूरा थोड़ी लेना है, अपने को 5% लेना है, अभी 500 का भी मैं आधा करूं तो 250 रुपया लेना है, और इसका भी आधा करना है, सर क्या बोल रहे हो, आधा आधा करके
आधा सिर घुमा दिया आपने, क्या बोल रहे हो नहीं समझ में। अरे बॉस इसका भी क्यों आधा ले रहे हो, क्योंकि ये 6 महीने के लिए लेना है। यस इसको 6 महीने के लिए लेना है, मतलब ये 250 रुपया पूरे साल का है, उसका भी आधा करोगे तो कितना आता है, 125 रुपीज आता है। तो ये 400 में प्लस 125 आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 525 रुपया आपका क्या आ जाएगा, टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा फर्नीचर पे। समझ में आ रहे हैं ना मेरे भोले बच्चे लोग। यस चलो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्नीचर में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, लेस 5% डेप्रिसिएशन कितना है, 525। अगर मैं 525 तो ये हो जाएगा 75, तो ये प्रॉपर हो जाएगा 600, 700, 800, 900, 1000, 475, 3000 खत्म, तो आ जाएगा 12,475। यहाँ पे सेकंड इफेक्ट देना भूलना नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस में, यहाँ पे 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 525। गेटिंग माई पॉइंट, यस सर नो सर यस। चलो आगे बढ़ेंगे, तो ये डेप्रिसिएशन वाला खत्म हो गया। नेक्स्ट आ जाता है आउटस्टैंडिंग वेजेस और इलेक्ट्रिसिटी, दोनों आउटस्टैंडिंग है। वेजेस 300, इलेक्ट्रिसिटी 200, मतलब टोटल 500 है आउटस्टैंडिंग। पहले वेजेस को ऐड कर देंगे यहाँ पे, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस 300 ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 900, 1000, 1100, 1250 रुपया। और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी आएगी, उसको भी साथ में लिपटाते जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में से, ऐड आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी कितना है, वो 200 है, इसको भी प्लस करेंगे तो 1650। ठीक है, दोनों आउटस्टैंडिंग है, यहाँ पे लिख देंगे लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, पहले आ जाएगा वेजेस सर जो था 300 रुपया और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस था 200 रुपया, दोनों को प्लस करके 500 रुपया आउटर कॉलम में डाल सकते हो आप। चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे सर। यस इज डन एंड इज ऑल्सो डन। नेक्स्ट आ जाता है अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3%। पार्टनर्स का जो कैपिटल है उस पर 3% आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन देना, अरे सॉरी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, दे देंगे, उसके लिए तो बैठे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इन लोग के लिए वो इनकम है, पार्टनर्स के लिए वो इनकम है, तो उसका क्रेडिट साइड पे जाएगा पार्टनर्स अकाउंट का। और फर्म के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए वो क्या है, लॉस है, खर्चा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के साथ डेबिट आएगा, जो ऑलरेडी अपन ने सॉल्व कर दिया। अब इसका खाली परसेंटेज निकालना है, यहां पे परसेंटेज निकाल लेते थोड़ा, इंटरेस्ट अर्चना का 40,000 इंटू 3% डिवाइड बाय 100 करूंगा तो परसेंटेज में मिलेगा मुझे 0.0, 3 × 4 करूंगा तो 12 और ये 20, 1200 रुपया अर्चना का होगा। अर्चना ही नाम है ना, क्या नाम है, आई थिंक सो अर्चना ही है, यस। और प्रेरणा का 20,000 है, सेकंड है प्रेरणा, 20,000 सर उसका, उसका भी 3% करो निकालो आप, तो ये 20, 20, 3 × 2 करोगे तो 600। ठीक है, तो दोनों के इंटरेस्ट रिस्पेक्टिव अकाउंट में डालेंगे यहाँ पे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1200 और 600, दोनों का इफेक्ट 1800 का किधर देना आपको, ट्रेडिंग अकाउंट के, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, किधर देना आपको, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, यहाँ पे 2
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 1200 और 600, 1800। ठीक है, चलो तो यहां पे आई थिंक सो सब एडजस्टमेंट इज डन, ऑल एडजस्टमेंट इज डन, नो हिडन एडजस्टमेंट इन द ट्रायल बैलेंस। तो आई थिंक सो सब अपना पोस्टिंग क्लियर हो गया। एक बार देख लेते हैं ऊपर ऊपर से कि कोई भी आइटम आउटर द सॉरी इनर कॉलम में तो नहीं रह गई ना, देख लेते ऊपर 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 से एक बार। यहाँ पे फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट आई थिंक सब इन्फॉर्मेशन सब फिगर्स आउटर कॉलम में चले गए, आई डोंट थिंक सो कोई भी इनर कॉलम में पड़ा है। प्रॉफिट एंड लॉस का देखते हैं अभी, प्रॉफिट एंड लॉस का ये भी देखते हैं यहाँ पे, ये भी ऑलमोस्ट आउटर कॉलम तक पहुँच गया है सब फिगर, कोई भी इनर कॉलम में नहीं है। यस यहाँ पे भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं एडजस्टमेंट, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट सब आउटर कॉलम में पहुँच चुके हैं और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सब आउटर कॉलम में पहुँच चुके हैं, मतलब सब कॉलम आउटर कॉलम तक पहुँच चुके हैं, मतलब कोई भी एक ऐसा यहाँ पे इनर कॉलम में नहीं है। तो नाउ वी कैन गो अहेड विद द टैली। ठीक है, चलो मैं मेरा कैलसी ले लेता हूँ, उस कैलसी के बिना मेरे को जमेगा नहीं। ठीक है, चलो ओके सर ले लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सर हो आप तो ले सकते हो, हम लोग तो स्टूडेंट है, हम लोग तो स्ट्रिक्टली वार्निंग किया है। जब मैं स्टूडेंट था मुझे भी वार्निंग किया था। 29,800 प्लस 12,000 करूँ तो कितना आता है, 41। यहाँ पे कर देता हूँ 41,800। पेंसिल से करना है आपको, जब भी आप एग्जाम में भी सॉल्व कर रहे हो तो पहले फर्स्ट टाइम आपको क्या करना है, पेंसिल से करना है। यस चलो अभी इसमें से मैं वन बाय वन माइनस करूँ, 8560 माइनस 22,700 माइनस 1250 माइनस 1000 तो आ जाएगा 8290। कितना आएगा, 8290 जो होगा आपका टू ग्रॉस प्रॉफिट, क्रेडिट डाउन इसको लेके जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना आएगा 8290। अभी यहाँ पे क्लोज करते हैं, पहले तो अपन टारगेट करते हैं क्रेडिट साइड को क्लोज करने का। अभी ये इसके अंदर 8290 में कोई आइटम बची, आई थिंक 310 का इंटरेस्ट था, यस प्लस 310 तो आ जाएगा 8600 रुपया, 8600 रुपया अपना क्या आ जाएगा अमाउंट आ जाएगा, अरे भाई 8600। अभी वन बाय वन माइनस करते जाएंगे, नीचे से स्टार्ट करते हैं, 1800 रुपया माइनस करेंगे, 525 माइनस करेंगे, बाद में कितना लिखा है 2200 माइनस करेंगे, 250 रुपया माइनस करेंगे, 500 रुपया माइनस करेंगे, बचेगा क्या नेट प्रॉफिट इस बार, 850 माइनस करेंगे, 1650 माइनस करेंगे, यस बचा थोड़ा बचा प्रॉफिट सर, कितना बहुत सारा प्रॉफिट बच गया इस बार, तो कितना बचा अपना प्रॉफिट आया नेट प्रॉफिट 825 रुपया। वाह 825 रुपया अपना क्या आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट, क्रेडिट डाउन। ठीक है, इसको लेके जाएगा इधर कहाँ पे, इधर इन लोगों का रेशियो जितना मालूम था 2:1 का था, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, 2:1 का था रेशियो जितना मुझे मालूम है, लेट्स क्रॉस चेक वंस अगेन, 2:1 का था, यस कैपिटल भी 2:1 के हिसाब से लाया है, 40,000 और 20,000। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाता है बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 825 का, 825 का इधर आ जाता है वर्किंग नोट्स में थोड़ा, नेट प्रॉफिट का टू इस टू वन के हिसाब से डिवाइड करें
अर्चना और प्रेरणा के बीच में 8:5:2:3 8:5:2:1:3 ठीक है, 8:5:2:3 करूंगा तो 550 इसके भाग में आएगा और 275 इसके नसीब में आएगा। 550 और 275, 550 275, ठीक है, इसका जो टैली कर लेते हैं। ठीक है चलो, 550 पहले अर्चना का क्लोज करते हैं अकाउंट, 40,000 प्लस 1200 41,750 में से 1200 माइनस करें तो 40,550 कैपिटल का कंट्रीब्यूशन किसका हो जाएगा, टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन अर्चना का, इसको लायबिलिटी साइड लेके जाएंगे। वेट, पहले इसका भी प्रेरणा का भी बाकी है, प्रेरणा का भी देख लेते हैं। 20,000 प्लस 275 प्लस 600 28,75 माइनस करेंगे 919,975 ठीक है, दोनों का लेके जाएगा कैपिटल लायबिलिटी साइड। ये ट्रांसफर करना है अपने को किधर, ट्रांसफर टू लायबिलिटी साइड। ठीक है चलो, 40,500 यहाँ पे कैपिटल पहला आ जाएगा अर्चना, अर्चना प्रेरणा, कुछ मिले मुझे प्रेरणा, यस चलो 40,550 सॉरी 40,550 ही था ना भाई, यस 40,550 और इसका कितना है 19,975 दोनों को प्लस कर देंगे सर, 40,550 प्लस 19,975 प्लस, चलो क्रॉस फिंगर होप जाए टेली, 3,000 प्लस 1,000 प्लस 17,500 प्लस 5,000 आगे कुछ है क्या अभी, यस 5,000 के बाद 500 लास्ट है, तो यह आ जाएगा अपना आया है कितना आया है 87,525 लेट्स क्रॉस फिंगर, सामने असेट भी इतने पे टैली हो, 12,000 7,500 5,000 12,000 475 रुपया 19,800 6,300 2,000 3,000 17,700 1,750 आई थिंक सो आर आंसर इज टैली 87,525 यस आप खुश मैं डबल खुश। ठीक है तो यहाँ पे अपना जो आंसर्स है वो क्या होगा, टेली हो चुका है 87,525 और अपना जो सम्स के अंदर भी दिया रहेगा इन लोग ने जो देखेंगे तो क्रॉस फॉर वेरीफाई करना है तो अपन पहले आपको सम आंसर स्टॉल टेली करके नहीं दिया है बट आपको अमाउंट दिया है इन लोग ने भाई कि भाई इससे टेली होगा, ये भी अपना टेली हो गया और ये भी अपना टेली हो गया, यस तो उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहेगा, इफ़ यू एन स्टिल डाउट बिंदास कमेंट सेक्शन में कमेंट क्या कर दो फेंक दो और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए, थैंक यू सो मच।